अनुदेशक मानदेय खबर बिग ब्रेकिंग न्यूज शिक्षा महानिदेशक के प्रयासों से मिला आज मानदेय ग्रांट जारी होने का समाचार। इस बार अनुदेशक मानदेय मिल रहा है 15 दिन लेट। आज ग्रांट जारी हुई है, अब 2-3 दिन बाद मानदेय सभी के खातों में पहुंच जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एन न्यूज। अनुदेशक न्यूज की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपसे एक छोटा सा निवेदन, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, आपको बताना चाहें, अनुदेशक शिक्षा मित्रों को मिलेगा मार्च माह में 15 दिन लेट मानदेय, क्योंकि आज 11 को मानदेय ग्रांट जारी हुई है। और पूर्व के वीडियो में हमने आपको बताया था कि सोमवार मंगल तक ग्रांट जारी होने की संभावना है। शिव कुमार शुक्ला जी ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से यही खबर वायरल की थी, अनुदेशक शिक्षा मित्र मानदेय सोमवार तक जारी होगा। तो साथियों, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर 11/4/2023 का ये अंशकालीन अनुदेशक मानदेय माह मार्च का है ये, कि धनराशि प्रेषण के संबंध में। और अब ये धनराशि आप सभी के खातों में 2-3 दिन के अंदर पहुंच जाएगी। यानी कि कह सकते हैं इस बार 15 दिन मानदेय लेट पहुंच रहा है समस्त अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के खातों में। एक तो कम मानदेय, उस पर ये लेट लतीफ़ी कब तक चलेगी? अनुदेशकों के मन में, शिक्षा मित्रों के मन में यही बात घर किए जा रही है कि आखिर इन संविदा कर्मियों के साथ ऐसा क्यों व्यवहार किया जा रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग में समान कार्य समान वेतन के तहत अब तक उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है और लगातार संघर्षरत हैं। इस समय स्कूल चलो अभियान चल रहा है 1 अप्रैल से, और लगातार अनुदेशक और शिक्षा मित्र अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। घर घर जाकर हाउस होल्ड सर्वे कर रहे हैं, बच्चों को शॉर्ट्स फिल्म, नुक्कड़ नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के तहत स्कूल विद्यालय आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं क्रियाकलापों के द्वारा। लेकिन अभी भी उनको अपना हक नहीं मिल पा रहा है, अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। अनुदेशक सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सरकार शक मानदेय 17,000 को लेकर इलाहाबाद डबल बेंच के आदेश को ना मानकर यूपी सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में चली गई है चैलेंज करने के लिए। लेकिन सत्य की जीत होती है और सत्य की विजय होगी। दोस्तों, दूसरा बड़ा समाचार है ट्रांसफर को लेकर, अनुदेशक शिक्षा मित्र ट्रांसफर। अभी इंतजार करना पड़ेगा अनुदेशकों को, क्योंकि इस समय आचार संहिता लगी हुई है और इस बीच नगर निकाय चुनाव के चलते ट्रांसफर होना थोड़ा मुश्किल है। यदि खास खबर मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम।